सो गाइस ये चेकआउट करो भाई, ये सौरभ जोशी की थार, और भाई सौरभ भाई की थार आई थी दिल्ली मॉडिफाई होने के लिए, मॉडिफाई फुल हो चुकी है। बाकी सौरभ भाई अब देखो इसे बैक करके पीछे ला रहा है भाई, आज सौरभ भाई से मिलकर ही जाएंगे। और देखो ये भाई उनकी थार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियो गाइस। कैसे हो आप लोग, होप सब अच्छे होंगे। आज का आपने थंबनेल टाइटल देख लिया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको एक हिंट दे देता हूँ गाइस। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सौरभ जोशी के ब्लॉग में, वो अपनी थार को मॉडिफिकेशन करवाने के लिए दिल्ली आए थे। थार की मॉडिफिकेशन हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट, और सौरभ भाई आ रहे हैं फिर से दिल्ली, और दिल्ली में आके आज अपनी कार की डिलीवरी ले लेंगे, बाकी अपना दोबारा चले जाएंगे हल्द्वानी। सो मैंने सोचा जाता हूँ भाई, जहाँ पर उनकी कार मॉडिफिकेशन हो रही है वहाँ पे जाता हूँ, देखता हूँ सौरभ भाई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को वॉच करना, एंड जो भाई अपने चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। बाकी इस टाइम मैं मेट्रो पे आया हूँ गाइस, अभी चेक करो भाई वहाँ पे कितनी ज्यादा धूप हो रही है। एंड भाई मैं खड़ा हूँ पेड़ के नीचे छाव में, और एक मेंबर और जा रहे हैं अपने साथ, वो कौन है, नौशाद भाई, उनका वेट कर रहा हूँ मैं, देखता हूँ कब आते हैं नौशाद भाई। जैसे नौशाद भाई आएंगे देन उसके बाद चलेंगे सौरभ जोशी से मिलने, बाकी व्लॉग में आप बने रहना। सो वेट करते हैं नौशाद भाई का और जल्दी से चलते हैं फिर। गाइस नौशाद भाई चलते हुए आ रहे हैं मेरे सामने, बाकी आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई धूप में चलते आ रहे हैं, काले हो गए बिल्कुल ही। वो गंजू सेठ काले कैसे हो गए तुम, बढ़िया बढ़िया तो। इतनी देर पे भाई इतना वेट क्यों कराते हो ये बताओ, जल्दी चलो। आ गया सौरभ जोशी, आ गया, टाइम हो गया पूरा अपना भाई, पूरा टाइम हो गया बस भाई। ये कह रहे हैं सौरभ जोशी आ गया, सो व्लॉग में तो मजा आएगा ना भाई, बहुत मजा आने वाला यार, बहुत एंजॉय आएगा। बाकी मेट्रो से जा रहे हैं यार, गाड़ी से तो जा नहीं रहे, अब मेट्रो से जा रहे हैं। ये रहा अपना सिलमपुर का मेट्रो, चलते हैं जल्दी से अंदर, अपने टोकन ले लिया यहाँ पे, नौशाद उठाओ जी एक टोकन जल्दी से, चले फिर। चलो चलो शुक्रिया मत बोलो, फोन आ रहा है तो बता दो आज कहाँ जा रहा है, मुझे सौरभ जोशी, सौरभ जोशी व्लॉग आ रहा भाई, भाई एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, चलते हैं भाई अब जल्दी से, बहुत ज्यादा टाइम हो रहा भाई, एक्सीलेटर पे चढ़ गए हम तो गाइस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, सौरभ भाई आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बाकी आधा घंटा बचा देखते हैं पहुंचते हम या नहीं पहुंचते। गाइस ऊपर आए तो पोपट हो गया भाई, देख रहा हूँ मेट्रो छोड़ के जा चुकी है यार, निकल गई पहली मेट्रो भाई, निकल गई जैसे ऊपर आया वैसे मेट्रो के गेट बंद हो गए और मेट्रो जा चुकी। अब वेट करते हैं भाई, देखते हैं कब सेकंड मेट्रो आती है, सेकंड मेट्रो आएगी उसके बाद चलेंगे भाई। बाकी देख रहो पूरी लाइन यार एंड तक खाली पड़ी है। फाइनली गाइस सेकंड मेट्रो जो है वो आ गई है भाई, ये चेकआउट करो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख रहो आ गए भाई मेट्रो। अब जैसे गेट ओपन होते हैं देन उसके बाद अपना एंट्री लेते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से। ये मेट्रो तो भाई खाली पड़ी है बिल्कुल ही भाई, बिल्कुल ही खाली पड़ी है, बिल्कुल ही खाली। हाँ जी, तो भाई मेट्रो से एग्जिट हो गए और अपनी लोकेशन में पहुंच गए, बाकी चलते हैं यार जल्दी से, अब तो भाई बहुत ज्यादा टाइम पड़ता जा रहा है, चलते हैं यार जल्दी से। हाँ जी, तो भाई लोग मेट्रो से एग्जिट हो गए और भाई अब हमें करना ई रिक्शा, और टोटल हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हमें भाई लोकेशन पे ही पहुंचना है, वरना सौरभ भाई जा सकते हैं यार, डर लग रहा है नौशाद भाई, जल्दी भागो यार, ई रिक्शा करते हैं भाई, भागते हैं चलो भाई। अभी ई रिक्शा में बैठ गए भाई, अब जल्दी से लोकेशन पे जाना अपनी। ये रहा गाइस ई रिक्शा, बाकी देख रहा भाई बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का, चलते हैं जल्दी से भाई लोकेशन पे पहुंचते हैं फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली लोकेशन में तो पहुंच गया हूं, लेकिन यार सौरभ भाई ने मना कर दिया मिलने के लिए भाई, देख रहा हूं कार निकाल के अपना जा रहे हैं। अभी आपने देखा यार सौरभ जोशी भाई अपनी कार लेके यार चले गए वहां से, मतलब यार उन्होंने ना ऐसा सीन कर रखा था, वहां पे पहले सिक्योरिटी लगा रखी थी, जहां पे उन्होंने कार मॉडिफाई करवाई है ना वहां पे उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, किसी की एंट्री मत लेना और मेरे को अपना आराम से जाना है। यार ये क्या बात होती है, मतलब हम इतनी दूर से मेहनत करके जा रहे हैं, बंदा रुका भी नहीं वहाँ पे ना, हम सोच रहे थे यार फोटो क्लिक करवा लो, चलो फोटो की तो दूर की बात है यार, मिल लेता ना इंसान तो दिल को बहुत ज्यादा खुशी होती है, हम भी यार अपना टाइम लगा के गए वहाँ पे, बाकी मिले नहीं वो सौरभ भाई। कैसा रहा नौशाद भाई आके बताओ यार, इतनी मेहनत से हम गए, बताओ किराया खर्च कर भाई, पता नहीं क्या गया यार, मतलब टाइम अपना खराब करके गया, टाइम भी गया मूड भी खराब हो गया, अच्छे अच्छे मूड से गए थे यार, बहुत ज्यादा अच्छे मूड से, मैं घर पे काम भी था उससे भी जरूरी काम था, लेकिन वो सारे काम सोचा था भाई उनसे मिल लेंगे, चलो यार फोटो तो नहीं क्लिक करवाते हो बट मिल लेते ना भाई, खुशी हो जाती, दिल को सुकून मिल जाता, लेकिन सौरभ भाई चले गए यार सीधा, अपनी कार उठाई सीधा चले गए। बाकी यार बहुत बुरा लगा, दिल से बुरा लगता है यार ऐसी चीज जब होती है, बट कोई नहीं गाइज। और गाइज आज के व्लॉग को तो यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया फॉलो भी कर लेना, और अब आपको मिलूंगा एक अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।